हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता किचन में स्वागत है। आज हम आपसे के लिए बनाएंगे तीज स्पेशल प्रसाद। नारियल लिए बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1 कप मैदा और 1 कप नारियल पाउडर, आधा कप लेंगे चीनी का बुरादा। इसी में मैंने इलायची और चीनी को दोनों को ग्राइंड कर लिया है और लेंगे ऑयल लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें मैदा डाल लेंगे और तेल डालेंगे। तेल उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मिश्रण इस तरह से बंधने लगेगा, तब समझेंगे हमारा मोयन सही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका स्मूथ सा बना लेंगे डो। ज़्यादा डो को ढीला नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा टाइट ही गूंथेंगे रोटी की तरह, रोटी से थोड़ा सा टाइट। देखिए डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे हम अपना डो और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने सेट करने के लिए छोड़ देंगे। बाउल ले लेंगे, इसमें हम नारियल का बुरादा डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। चीनी में ही मैंने इलायची को पीस लिया था दोस्तों, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर इसमें 1 चम्मच हम तेल डालेंगे रिफाइंड, ताकि ये हमारा डो है बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तेल डालने से हमारा मिश्रण बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। अब पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए 10 मिनट हो गए, हमारा डो बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसे बराबर हिस्सों में हम बांट लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ। इस तरह की हम लोइयां बना लेंगे सभी आटों को। अब इसे हम पतली पतली रोटियां बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा मोटी भी नहीं। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच मिश्रण डालेंगे। किनारे पर मिश्रण नहीं जाने देंगे दोस्तों, और इसके किनारे पर हम पानी लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से बंद कर देंगे हम। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो एक फोक की सहायता से आप सांचा का डिजाइन बना सकते हैं इस पे, इस तरह से। देखिए हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। तो चलिए एक और डिज़ाइन हम लोग बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही हम लोग बंद कर देंगे इसे अच्छे से, और देखिए
इस तरह से कोने से हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे घुमाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों डिजाइन बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हम सारे लोइयों को बना लेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने तेल गरम होने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल हमारा गरम हो चुका है, तो चलिए हम इसमें तल लेंगे अपनी गुजिया को। दोनों साइड से हम गुजिया को अच्छे से गोल्डन होने तक तल लेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर। देखिए बिल्कुल ऐसा कलर कर लेंगे हम लोग, सुनहरा कलर। तो चलिए अभी ये सब हमारे हो गए हैं गुजिया तैयार, अभी से हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तीज पे आप ये गुजिया जरूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। तो चलिए थैंक यू।